दिनेश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं और दिनेश इस बार बड़ा दिलचस्प बना दिया है एलजेपी यानी चिराग पासवान के स्टैंड ने इस पूरे चुनाव को। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने जा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं बिहार में चिराग पासवान। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना जनाधार और बढ़ाना चाहती है और जाहिर है वो एनडीए के भीतर जेडीयू से लंबी लकीर खींचना चाहती है, तो कहीं ये किसी तरह की आपसी समझ तो नहीं है। बहुत सारे लोग जो विश्लेषक हैं ऐसा भी अंदाजा लगा रहे हैं, जरा अखिलेश जी से पूछ लें, अखिलेश जी एलजेपी जो है वो जानबूझकर आप लोगों की तरफ से छोड़ा गया घोड़ा तो नहीं है? देखिए स्पष्ट कर दिया गया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, जेपी नड्डा जी ने कहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल एलजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है, वो हम गठबंधन में नहीं है। नीतीश कुमार बिहार जमीनी हकीकत में आपको बता देता हूँ, मैं गया था सासाराम जहाँ आज रैली होने वाली है और वहीं आप जानते हैं नोखा से रामेश्वर चौरसिया जीतते रहे हैं, उनको टिकट नहीं दी गई, वो सासाराम से आके एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और जो बीजेपी का कैडर है बहुत सारा उनके लिए प्रचार कर रहा है। देखिए वो उनकी महत्वाकांक्षा है, इतने दिनों तक पार्टी ने उनको मौका दिया, अवसर दिया, आज पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, कुछ लोग उनके साथ चले गए होंगे अलग विषय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। बार बार मन से ये कहा जा रहा है कि वोट कटवा पार्टी है, बार बार ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को निष्कासित। तो ये जो राजेंद्र जी की नाराजगी, उषा विद्यार्थी की नाराजगी, रामेश्वर चौरसिया की नाराजगी, ये सब नाराजगी बेकार है क्या? नहीं, नाराजगी किस बात की? नाराजगी गठबंधन होता है, हर बार गठबंधन होता है, गठबंधन में कुछ सीटें चली जाती हैं, कुछ सीटें रहती हैं। अब इसमें कोई एक नाराज होकर के यू स्टॉप नाइन रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।